सो हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट विद फाइल हैंडलिंग, ओके, एंड इट्स ऑपरेशंस। सो क्या होता है फाइल हैंडलिंग, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है गाइस? बेसिकली तो मैं ये बताता हूँ आपको कि जो हमारा डेटा होता है वो हमारे टेम्पररी स्टोरेज पे जाता है। लाइक आप कोई वेरिएबल ले रहे हो या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ओके, तो सारा का सारा क्या है, टेम्पररी स्टोरेज पे जाके सेव हो जाता है। तो पाइथन क्या करते हैं, पाइथन सपोर्ट फाइल हैंडलिंग, ओके, पाइथन सपोर्ट फाइल हैंडलिंग, ओके। अब ये फाइल हैंडलिंग होती क्या है, क्या होता है बेसिकली, लाइक आप क्या करते हो, आप अपना कोई भी डेटा होता है जो आपको परमानेंट स्टोर कराना होता है, तो आप इसे डायरेक्टरी में स्टोर कराते हो, ठीक है, आप किसी फाइल में स्टोर कराते हो, डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी इन द सेंस मतलब फोल्डर हो गया, फोल्डर में कोई फाइल पड़ी है, तो इस तरीके से, ओके। तो इसी तरीके से लाइक अगर आपको कोई भी चीज टेम्पररी से परमानेंट स्टोरेज पे डालनी है, तो हम क्या करते हैं, उसे फाइल में सेव कराते हैं, आइदर इट इज टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। क्या देयर We handle text file और binary file। इस binary मतलब देखो हर कुछ तो binary है, लाइक अगर text file की बात करो तो वो भी आपकी एक binary file ही आती है, okay? But अगर जो actual binary का use होता है यहाँ पे वो किसके लिए होता है, लाइक अगर आप क्या स्टोर करना चाह रहे हो, एक इमेज, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, एक ऑडियो फाइल या एक वीडियो फाइल। तो इस तरीके का अगर कोई डेटा आपको इधर से उधर करना है या सेव कराना है, ओके, तो कुछ भी करना है जिसको ऑपरेशन आप उसको अगर आप ऑपरेट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे, बाइनरी फाइल, ओके, क्या बाइनरी फाइल, अदरवाइज टेक्स्ट फाइल तो अवेलेबल हाई है। मेजरली क्या है ये इसमें कि आपका कोई जो टेम्पररी स्टोरेज है, चाहे वो लिस्ट ऑब्जेक्ट हो, आपका डिक्शनरी हो, टपल हो, जो कि हीप प्रोवाइड कराता है आपको। अगर आपको हीप के बारे में देखना है तो आप अपना कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो देखो, वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, गॉट इट। So, यहाँ पर अगर क्या है कि जो हीप होता है वो क्या होता है, आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कराता है, ओके, तो बट वो कैसा होता है, टेम्पररी होता है, लाइक आपके वेरिएबल को कोई डेटा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, हीप से उठ के आ जाएगा, ओके, उससे आपको परमानेंट में डालना है। तो दो चीजें, एक है डेटाबेस और एक है फाइल। तो डेटाबेस हम पढ़ चुके हैं, ओके, और फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। तो फाइल स्टोरेज में देखो क्या है कि अगर आपने कोई भी फाइल ली या कोई भी ऐसा डेटा है आप उसे स्टोर करना चाहते हो, तो आप या तो टेक्स्ट फाइल में कराओगे या बाइनरी में कराओगे, इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। अब देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग में कुछ परमिशंस होती है, क्या होती है परमिशन, तो देखते हैं वो परमिशंस क्या क्या है, ओके। कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं हम, किसी भी फाइल को अगर उस पर ऑपरेट कराना है या फिर कुछ भी करना है अपना कोई भी ऑपरेशन, तो उसे क्या करेंगे, ओपन अ फाइल, क्या ओपन अ फाइल बिफोर performing any operation, okay, first open the file, okay, got it, like आप किसी भी फाइल को रीड करना चाहो चाहे राइट करना चाहो, रीड का मतलब आप उसका डेटा फेच कर रहे हो, राइट का मतलब आप उसे क्या कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, तो आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो सबसे पहले आपको उसे ओपन करना पड़ेगा, बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन फर्स्ट ओपन दी फाइल, ओके। सो फॉर दिस वी शुड यूज पाइथन इनबिल्ट फंक्शन, कौन सा फंक्शन था, कॉल्ड ओपन फंक्शन, ओके, क्या नाम है फाइल फंक्शन का, ओपन। ओपन फंक्शन क्या करता है, आपके लिए कोई भी एक फाइल ओपन कर देगा जो भी आप उसे बोलोगे, बट एट द टाइम ऑफ ओपन एनी फाइल वी प्रोवाइड, वी हैव प्रोवाइड स्पेसिफिक, ये चीज हमेशा याद रखना, मोड, स्पेसिफिक मोड, क्या कि अगर आप कोई भी फाइल, क्या अगर आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो तो आप उसे एक स्पेसिफिक मोड में ओपन करोगे, ओके। मोड का मतलब क्या, या तो आप उसे रीड मोड में ओपन करोगे या तो आप उसे राइट मोड में, मतलब उसे ओपन करते टाइम ही बता दोगे कि आपके साथ ये होने वाला है, ओके, मतलब आप यहाँ पर आते रहो बट आपके साथ मैं ये चीज परफॉर्म करूंगा, ओके, गॉट इट। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने लिखा
एक वेरिएबल, मैंने बोला ओपन निशांत डॉट टीएक्सटी, ओके इन रीड मोड, इन रीड मोड, ओके क्या बोल रहा हूँ, निशांत डॉट टीएक्सटी इन रीड मोड। तो क्या है, देखो ये आपको पता चल गया, जो ओपन में आप कौन कौन से पैरामीटर पास कर सकते हो, सबसे पहले फाइल नेम और उसके बाद उसका मोड कि किस मोड में वो ओपन होने वाली है, ओके आइदर इट इज रीड मोड, राइट मोड, तो बहुत सारे मोड होते हैं, बाइनरीज के भी अपने मोड होते हैं, ओके तो अगर मुझे देखना है कितने मोड है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ओके बस यही बेसिक्स है फाइल हैंडलिंग का जो कि आपको काफी अच्छे से आना चाहिए। सो मोड्स मोड से रहना, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा आर, सबसे पहला होता है व्हाट, रीड मोड, ओके क्या होता है गाइस, रीड मोड याद रखना हमेशा के लिए, सबसे पहला क्या होता है रीड मोड। तो रीड मोड के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, क्या करता है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आपका जो भी डेटा है उस फाइल में, आपका जो भी डेटा है उस फाइल में, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, ठीक है, चाहे वो बाइनरी फाइल हो, वो क्या करेगा, उस वो सारा डेटा रीड कर लेगा, ओके क्या करेगा, रीड, ओनली रीड मोड में, मतलब आप उसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकते हो, सिर्फ क्या कर सकते हो, ओनली उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो। तो क्या होता है, देखो आप जो मैंने आपको कोई चीज दी, मैंने बोला कि भाई एक काम करो, ये रहा आपका कोई प्रोडक्ट है और आप इसे ऑब्जर्व करो, तो आप क्या करोगे, उसे वन बाय वन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, लाइक एक प्रोडक्ट है उसमें काफी कुछ है आपके पास, तो आप क्या करोगे, वन बाय वन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, लाइन बाय लाइन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे, तो देखो लाइन बाय लाइन चलेगा तो वर्ड टू वर्ड काउंट करोगे आप, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो एक किसी एक चीज की जरूरत पड़ रही है आपको, मतलब कि कोई चीज होगी जो ये बताएगी कि हाँ आपने लाइन नंबर 26 तक चल चुके हो, फिर 26 के बाद आपको करना है, तो उसे कहते हैं यहाँ पर फाइल पॉइंटर, जो कि इनविजिबल होता है, ठीक है, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, बट वो जो फाइल पॉइंटर होता है उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है ना वो बिगनिंग में होती है यहाँ पे, हेयर सो द फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर मतलब जो फाइल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जो उसके वर्ड्स को, उसके लेटर्स को, उसके अंदर के कंटेंट को मैनेज कर रहा है, ठीक है, द फाइल पॉइंटर इज पोजिशन ओके एट द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब की बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द फाइल, ओके बिल्कुल बिगनिंग ऑफ द फाइल में, ओके क्लियर है। तो ये होता है आपका बेसिक रीड मोड, जो कि आपकी फाइल का कंटेंट या आपकी फाइल को रीड करेगा, ओके आगे देखते हैं, अगेन वी हैव राइट मोड, ओके दिस इज माय राइट मोड, राइट का मतलब क्या होता है, an existing file, okay, for write operation, okay, write operation का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आपने जो फाइल ओपन करी है उसका डेटा तो आप रीड कर पाओगे, बट आप उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हो, क्या मैनिपुलेट भी कर सकते हो, okay बेसिकली क्या, अगर फाइल को आपने राइट मोड में खोला तो इसका मतलब क्या है, फाइल राइट हो चुकी है, मतलब कि इफ फाइल कंटेन सम डेटा प्रीवियसली, ओके अगर आपके फाइल ने प्रीवियसली कोई डेटा कंटेन कर रखा था और आपने उसे राइट मोड में खोला और बोला इस नए डेटा से राइट कर लो, भाई मैं बोल रहा हूँ आपको जाओ ये चीज लेके जाओ उस प्रोडक्ट में डाल दो, तो मैंने आपको जो अभी नया डाटा दिया और बोला उस पुराने प्रोडक्ट में डाल दो, तो क्या होगा, ये नया डेटा उस पुराने प्रोडक्ट को ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज है, अगर आप कोई भी फाइल को जिसमें डेटा पड़ा या नहीं भी पड़ा है आप उसे राइट मोड में खोलते हो तो वो क्या करेगा, जो प्रीवियस डेटा उसे ओवरराइड कर देगा, ठीक है, इफ फाइल कंटेन्स सम डेटा प्रीवियसली देन इट विल ओवरराइड, ओके तो वो क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। आगे और क्या होता है, अगर सपोज करो आपने बोला कि एक लोकेशन पे गए, ये चीज हमेशा रखना कि लाइक आप एक लोकेशन पे पहुंचे, आपने बोला कि मेरी एच ड्राइव के अंदर निशांत नाम का फोल्डर है, उसमें मुझे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम है
हेलो डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो अगर वो फाइल वहां पर प्रेजेंट होगी तो वो क्या हो जाएगी, ओवररिडन हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। क्या, अगर नहीं होगी वहां पर अवेलेबल तो राइट मोड उसे क्रिएट कर देगा। इफ दिस फाइल नॉट एग्जिस्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन देन तो गाइस, तो यहाँ पर देखो क्या, अगर फाइल अवेलेबल नहीं होगी उस लोकेशन पे तो वो क्या करेगी, उसको क्रिएट कर देगी। गॉट इट। तो ये होता है आपका राइट मोड। उसके बाद आता है आपका अपेंड। ओके, अपेंड मोड, दिस इज योर अपेंड मोड। ये क्या करेगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, ओके, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अपेंड ऑपरेशन। अपेंड का मतलब आप लोगों को पता है कि ऐड करना। क्या करना गाइस, सिंपल भाषा में बोलते हो ऐड करना। ओके, तो ये क्या करेगा, इट वोंट ओवरराइड, इट वोंट ओवरराइड एग्जिस्टिंग डेटा। अगर आपका वो फाइल अपेंड मोड का बोल रहा है, ठीक है, कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास फाइल में कोई डेटा पहले से पड़ा है तो वो ये उसे ओवरराइड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, उसके आगे ऐड कर देगा। क्या कर देगा, आगे ऐड कर देगा, और ये वाला पॉइंट सेम रहेगा यहाँ पर। ओके, मतलब कि राइट ऑपरेशन तो ये कर रहा है। क्या राइट ऑपरेशन तो ये कर रहा है भाई, फाइल में डेटा को अपेंड करा, मतलब ये राइट ऑपरेशन हो गया। बट क्या करेगा, पुराना डेटा को हटाएगा नहीं, उसके आगे नया डेटा ऐड कर देगा। तो इट वोंट ओवरराइट एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है। और उसके बाद क्या, इफ द फाइल नॉट एग्जिस्ट एट द स्पेसिफिक लोकेशन, तो क्रिएट करने के बाद उसमें डेटा डाल देगा, आप जो भी बोलोगे। ओके, तो ये आपके कौन से चार मोड थे। ओके, गॉट इट। सॉरी, तीन मोड थे, कौन कौन से, रीड, राइट और अपेंड। इसके बाद आता है आपका आर प्लस मोड। क्या, आर प्लस। अच्छे से समझना कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या होता है, टू रीड एंड राइट, टू रीड एंड राइट इन टू द फाइल, टू रीड एंड राइट इन टू द फाइल के मतलब की बोलना चाह रहा है कि डेटा को रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, तो ये ऑपरेशन हमारे परफॉर्म होंगे। तो अभी देखते हैं इसे। So, देखो क्या है, टू रीड एंड राइट इन टू दी फाइल, मतलब किसी भी फाइल में क्या, दोनों चीज परफॉर्म होगी, रीड भी और राइट भी। तो क्या होगा, अगर सपोज कर मैं बोल रहा हूँ कि यार आपको ये फाइल है, इसमें आपको नया डेटा राइट करना है, बट इसमें पुराना डेटा भी पड़ा है, वो भी लॉस्ट नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले पुराने डेटा को रीड कर लोगे, उसके बाद राइट करोगे। तो देखो क्या बोलता था, प्रीवियस डेटा इन द फाइल विल not be deleted. Okay, the file pointer is placed at the फाइल पॉइंटर क्या रहेगा, बिगनिंग में रहेगा, मतलब कि जो भी इस फाइल को रीड, डाटा को रीड करेगा, जो भी करेगा वो कहाँ रहेगा, बिगनिंग में। तो क्या करेगा, सबसे पहले डेटा को रीड कर लेगा, उसके बाद राइट करना स्टार्ट करेगा। ओके, इसका मतलब ये होता है। उसके बाद होता है डब्ल्यू प्लस मोड। डब्ल्यू प्लस का मतलब क्या है, फर्स्ट राइट देन रीड। ओके, फर्स्ट राइट देन रीड, टू राइट एंड रीड, टू राइट एंड रीड। अब इसमें क्या होगा भाई, अगर सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले राइट कर देगा, उसके बाद डेटा को रीड करेगा, तो मतलब क्या है, जो पुराना डेटा था वो ओवरराइड हो जाएगा। तो हियर डेटा विल बी ओवरराइडन। गॉट इट गाइस। ओके, आफ्टर दैट अपेंड ऑपरेशन, एक होता है ए प्लस, ए प्लस। तो ये मोड देखो क्या करता है,
टू अपेंड, अपेंड भी एक तरह से राइट ऑपरेशन ही है, टू अपेंड एंड रीड द डेटा, मतलब कि अपेंड एंड रीड, टू अपेंड एंड रीड द डेटा मतलब क्या करेगा, यहां पर क्या होगा मतलब कि राइट में क्या होता है, समझो राइट में क्या होता कि अगर पहले राइट करेगा उसके बाद रीड करेगा, मतलब पहले एक नई फाइल कोई भी फाइलों से मैनिपुलेट कर दिया, फिर उसमें से डेटा जो भी है या नहीं है जो भी डाला उसे रीड कर लिया, तो दो चीजें एक साथ हो गई। ओके, अब अपेंड क्या करेगा, सेम एज अबव बट डेटा को ओवरराइड नहीं करेगा, मतलब कि जो डेटा पहले से प्रेजेंट है वो तो रहेगा, बाकी जो नया है वो या फिर जो भी आपने डाला है उसे भी रीड कर देगा। तो इट वॉन्ट ओवर रिडन गाइज, ये सारे के सारे अभी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, अभी बस मैं आपको मोड्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। और लास्ट मोड जो आपका अवेलेबल होता है फाइल हैंडलिंग में वो क्या है, पाइथन में दिस एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव, क्या एक्सक्लूसिव मोड, एक्सक्लूसिव मोड। तो ये एक्सक्लूसिव मोड करता क्या है, भले एक तरह से एक राइट ऑपरेशन है, अगर आप सपोज करो आप चाहते हो कि भाई आपके पास एक फोल्डर है जिसमें बहुत सारी मतलब कि 2000 फाइल्स पड़ी है, तो आपने क्या करा उस पे एक और फोल्ड फाइल बनाई, ओके टेक्स्ट फाइल बनाई जो भी बनाई, ओके पर उसमें दे दिया एक्स मोड, इफ द फाइल ओपन विद एक्सक्लूसिव मोड, क्या बोल रहा हूँ, इफ द फाइल ओपन विद एक्सक्लूसिव मोड, ओके इसका मतलब क्या होता है, if that file already present या already exist then we will get file exist error, okay मतलब कि अगर उस नाम की फाइल वहां पर पहले से ही अवेलेबल है, if the file already exists then we will get the file existing error, okay अगर आपने कोई भी फाइल एक्सक्लूसिव मोड में खोली है, कोई भी फाइल एक्सक्लूसिव मोड में खोली है, okay और वो फाइल पहले से ही वहां प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं कि वो उसे ओपन कर देगा, नहीं वो क्या करेगा, एक एरर देगा, फाइल एग्जिस्टिंग एरर, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बताया था राइट मोड में कि अगर फाइल लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या करेगा, क्रिएट करके तब ओपन करेगा, बट अगर एक्सक्लूसिव मोड में आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो ठीक है और वो फाइल क्या होगी, पहले से ही वहां प्रेजेंट है, तो ये क्या देगा, एन एरर देगा। राइट मोड में तो क्या होगा, अगर फाइल प्रेजेंट होगी तो क्या करेगा, उसका डेटा को ओवरराइड कर देगा, ओके इस तरीके से, बट यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल आपका जो एक्स मोड है, एक्सक्लूसिव मोड है, वो आपकी जो भी फाइल होगी, जो भी फाइल होगी अगर वो पहले से प्रेजेंट है वहां पे, तो वो क्या देगा, आपको एरर देगा, मतलब कि ये हमेशा आपकी नई फाइल क्रिएट करेगा, क्या करेगा, नई फाइल क्रिएट करेगा, गॉट इट। अगर उसी नाम की पहले से कोई फाइल उस फोल्डर में है तो आपको क्या मिलेगा, एक एरर। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएंगे सारे के सारे में। सो नाउ वी मूव टुवर्ड द बाइनरी मोड्स, ओके बाइनरी मोड्स क्या होते हैं आपके, तो ये तो आपने सारे के सारे मोड्स पढ़ लिए, नॉर्मल मोड्स है, तो यहाँ पर मैं एक नोट लिखता हूँ, ओके ऑल द अबव मोड्स आर एप्लीकेबल फॉर टेक्स्ट फाइल्स, ओके ये जितने भी ऊपर वाले मोड्स हैं किसके लिए एप्लीकेबल है, टेक्स्ट फाइल्स के लिए, गॉट इट, कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है तो आप हाँ ये मोड डाल सकते हो, बट व्हाट अबाउट बाइनरी फाइल्स, गाइस देखो टेक्स्ट फाइल को आप बाइनरी में भी एक्सेस कर सकते हो ठीक है, और नॉर्मल इन मोड से भी एक्सेस कर सकते हो, बट अगर आपके पास कोई बाइनरी फाइल है लाइक ऑडियो फाइल वीडियो फाइल, तो उसके लिए आपको किसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा, बाइनरी मोड्स के पास जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, इफ द अबव मोड्स सफिक्स्ड, याद रखना क्या बोल रहा हूँ, with b, ऊपर वाले जितने भी मोड आपको दिख रहे हैं ना, अगर उसके सफिक्स में आप b लगा दो, then these represent for binary files, okay? Example के तौर पे
आप लोगों को ये बताता हूँ, आरबी मतलब रीडिंग बाइनरी, राइटिंग बाइनरी, ओके, ये सारे के सारे, अपेंड इन बाइनरी, ओके, आर प्लस इन बाइनरी, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे क्या है आपके, बस सफिक्स किसके साथ कर दो, बी के साथ कर दो, तो ऑल दीज आर योर बाइनरी मोड्स, और बाकी ऑपरेशन ऊपर जो पता है वो सारे के सारे उसी की तरह सेम है, ओके। तो ये सारे के सारे आपके मोड्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ओके, ये सारे के सारे जितने भी थे आपको सारे के सारे मोड्स के बारे में पता चल चुका है। नाउ अब देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या है, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कि मैंने बोला था कि आप अगर कोई भी ऑपरेशन करते हो तो आपके कुछ रिसोर्सेज यूज होते हैं। क्या होते हैं रिसोर्सेज, मैंने पहले भी आप लोगों को काफी बार बताया है क्या, कि अगर आप अपने मशीन में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो या कोई फाइल ओपन कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो व्हाटएवर, ओके, तो आप क्या कर रहे हो, अपने कुछ रिसोर्सेज ले रहे हो, लाइक सपोज करो आप कोई प्रिंट कमांड दे रहे हो तो आप प्रिंटर एज अ रिसोर्स ट्रीट कर रहे हो, या फिर आप कोई डेटा सेव करा रहे हो तो आप मेमोरी को एज अ रिसोर्स यूज कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई फाइल ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो उससे जब आपका काम खत्म हो जाए तो उस फाइल को क्या करो, क्लोज कर दो। इट इज हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप कोई भी चीज ओपन कर रहे हो तो उसे क्या करो, लास्ट में क्लोज करो, मतलब अपने रिसोर्स को रिलीज करो। तो क्या है, क्लोजिंग ऑफ फाइल, गाइस एक स्ट्रक्चर है। अगर आप बोलते हो कि मुझे किसी चीज का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप बोलते हो मुझे, तो उसका बेसिक पढ़ो, वो चीज पढ़ो जो चीजें जो जो इंडिविजुअल छोड़ के चलता है। लाइक अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या करते हो, कोई भी वीडियो आप देख रहे हो तो आप इंस्टॉलेशन पार्ट उसका स्किप कर देते हो, ठीक है मुझे आता है, मैंने आज तक बहुत सारी चीजें इंस्टॉल कर दी, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक तो करना है बस, बट दैट्स द मेन थिंग, वही तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपको उस चीज का इंस्टॉलेशन अच्छे से पता, आपको ये पता है कि कौन सी चीज किसके लिए चल रही है, कौन सी परमिशन कहाँ जा रही है, कौन सा पैकेज क्या कर रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें आपके लिए बेनिफिटेड होंगी। तो देखो इसीलिए कोई भी कंसेप्ट उठाओ उसका बेसिक पे फोकस करो। तो देखो क्या बोल रहा हूँ, क्लोजिंग ऑफ द फाइल, ओके, क्या है आफ्टर completing all operations on the file, okay, then at last close the file or with the help of close function, with the help of close function, which is f dot close, f dot close, okay। अब देखते हैं, चलो ठीक है गाइस, यहां तक के लिए अभी आप लोगों को समझ में आएगी फाइल ओपन क्या करनी है, उसमें आपका जो भी है मोड्स वो कैसे लगाने, ओके, इसके बाद मैं आपको कुछ फंक्शन बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी फाइल हैंडलिंग को और भी इजी करने के लिए। अभी आपको ये सारे मोड्स, अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, ओके, अब हम क्या देखेंगे कि इसके जो भी एग्जांपल्स है इससे रिलेटेड, कि फाइल ओपन क्या है, अपेंड क्या है, कैसे ऑपरेट होगी फाइल, पॉइंटर क्या है, ये सारी की सारी चीजें, ओके। सो गाइस देखो अब हम क्या करते हैं, एक फाइल को ओपन करके देखते हैं, व्हाट इट, क्या करता हूँ मैं, सिंपल सा एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, एक फाइल को ओपन करके देखने जा रहा हूँ कि हाँ वो फाइल, उस फाइल में डेटा क्या है जो भी, ओके। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया f, मतलब समझ लो मैं एक टेम्पररी फाइल का डेटा, सॉरी एक परमानेंट फाइल का डेटा एक टेम्पररी स्टोरेज में रखने जा रहा हूँ, ओके। तो मैंने बोला ओपन, लाइक अगर क्या बोल रहा हूँ, अगर आपके पास सेम फोल्डर में क्या, अगर आपके पास सेम फोल्डर में कोई कोड पड़ा है, ठीक है ना, या कोई फाइल पड़ी है, तो आपको लोकेशन देने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, मैंने सेम फोल्डर पे एक कोड पड़ा हुआ है, एक फाइल पड़ी हुई है सॉरी, जिसका नाम है test1.py, ये नाम है उस फाइल का, ओके। और मैंने बोला चलो अच्छा अभी के लिए सिंपल दिस, नाउ ऑपरेट इट, तो दिस अभी के लिए यहाँ कुछ नहीं है, बट इफ आई सेड एफ,
देखो क्या बोल रहा है, मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो इन्हें दी है। क्या बोल रहा है कि आईओ डॉट टेक्स्ट रैपर नेम टेस्ट वन डॉट पीवाई मोड कौन सा है। देखो बाय डिफॉल्ट रीड मोड है। क्या है मोड कौन सा है गाइस? रीड मोड है। ओके कि मतलब आपका जो भी फाइल है वो रीड मोड में ओपन हुई है, बट मुझे इसके इंटरनल का डेटा नहीं मिला। क्या इसका डेटा नहीं मिला? अभी आपने इस फाइल को रीड करा है, इसके इंटरनल के डेटा को रीड नहीं करा है। तो अब इसके इंटरनली आपको डेटा को रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल ऑपरेशन होता है गाइस f equals to में f dot read simple। okay अब देखते हैं, again run करा मैंने now f, तो देखो ये पूरा डेटा उस फाइल में अवेलेबल था। पूरा एक कोड लिखा हुआ उसमें, py फाइल है तो ऑब्वियसली पाइथन का कोड होगा, तो देखो ये कोड लिखा था उसमें। तो मैंने क्या करा f में पहले फाइल को रीड करा। okay here we read the file और इसमें उस फाइल का डेटा, एंड हियर वी रीड डेटा फ्रॉम द फाइल। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि एक फाइल को ओपन कैसे करना है। तो देखो बाय डिफॉल्ट आपको पता चला कि अगर मैं इसे F1 चुनाव अभी के लिए मैं इसे F1 ले लेता हूँ। ओके और F, तो क्या करा अब यहाँ पे F में तो फाइल रीड हुई है और F1 में क्या 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 है मेरा डेटा है। ओके तो ये देखो सेम अगेन F सो हियर F, तो ये देखो F में क्या था, एक फाइल की इंफॉर्मेशन, उसके बाद अब मेरे पास F1 है जिसमें डेटा है। ओके तो यहाँ पर अगर आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा तो देखो क्या क्या आ रहा है। पहले तो ये बता रहा है कि इसका जो भी पैकेज का नेम है वो क्या है test1.py, मतलब नेम ऑफ द फाइल चाहे किसी भी पैकेज में एग्जिस्ट करती हो test1.py। किस मोड में? रीडिंग मोड में। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? सपोज करो कुछ इस तरीके से समझो कि हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक रूल बनाया हुआ है या फिर एक एल्गोरिथम बनाई हुई है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी थे। ओके अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी थे, ठीक है, ब्रैकेट्स भी था, स्ट्रिंग भी थी, ओके हर कुछ था, न्यूमरल्स भी थे। तो ये जो इनकोडिंग सपोर्ट करता है वो कौन से थे? CP1252। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी टेस्ट फाइल पे जाता हूँ, test1 फाइल पे जाता हूँ और उसे उसमें से सारा डेटा रिमूव करके सिर्फ एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मेट आता है। ओके तो जरूरी नहीं है कि चेंज हो, और हो भी सकता है। अब मैंने क्या करा, test1.py में सिर्फ एक स्ट्रिंग डाल के छोड़ दिया सिंपल सी। ओके अगेन आई एग्जीक्यूटेड, हो गई fcp125। ओके तो देखो अभी के लिए तो देखो यही आ रहा है। ओके आप आगे आगे जैसे अदर एग्जांपल्स करेंगे तो ये इनकोडिंग का पार्ट कभी UTF-8 UTF-16 तो ये चेंज भी होता रहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बस ये बताता है कि हाँ कि कौन सी चीज कब है। लाइक सपोज करो कोई डेटा नहीं रीड हो पा रहा तो हम कोई सी इनकोडिंग यूज कर लेते हैं कि हाँ इसमें अगर स्पेशल कैरेक्टर्स भी है तो चलो ठीक है ये यूज कर लो तो ये इसे हैंडल कर लेगा इस तरीके से। अब अगर मैं आपको F1 दिखाऊं तो F1 में मैंने क्या रहा है, एक स्ट्रिंग डाल दी है बस। ओके किसमें? अपने test1.py में। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक मोड भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो मैंने मोड में क्या डाल दिया यहाँ पर, आर मोड, मतलब बाय डिफॉल्ट तो ये आर में खुल रहा था तो देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके मैं चाहूँ तो इसे डब्ल्यू में भी ओपन कर सकता हूँ, मतलब राइट मोड। ओके ओके हाँ ठीक है ना। तो देखो एरर, मेरी फाइल तो रीड हो गई है, मतलब मेरी फाइल क्या है यहाँ पर ओपन हो गई है राइट मोड में, मतलब अब मैं इसे मैनिपुलेट भी कर सकता हूँ। बट जब फाइल मैनिपुलेट होगी तो ये क्या बोल रहा है कि भाई क्या बोल रहा है, f.read unsupported operation not readable, मतलब कि जो राइट फाइल खुली है वो अभी रीडेबल नहीं है जब तक वो राइट ना हो जाए, जब तक वो राइट ना हो जाए। तो अगर मैं f देखूंगा तो देखो क्या है यहाँ पर, अच्छे से ऑब्जर्व करो गाइस, बोल रहा है कि भाई राइट मोड में, मतलब राइट मोड का मतलब है अगर आप कोई चीज को मैनिपुलेट कर, एक टाइम पे आप दो काम तो नहीं कर सकते हो ना, मतलब कि एक ही चीज है उसे आप मतलब मैनिपुलेट भी करते जा रहे हो और उसे कहीं पर यूज भी करते जा रहे हो। या तो आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो या तो आप उसे यूज कर सकते हो। क्या बोल रहा हूँ, या तो आप उसे मैनिपुलेट कर सकते हो या तो आप यूज कर सकते हो। तो W का मतलब क्या था कि आप उसे सिर्फ क्या कर सकते हो, अभी के लिए तो मैनिपुलेट कर सकते हो, और रीड ऑपरेशन इसीलिए नहीं चल रहा था क्योंकि उसका डेटा अभी राइट मोड में था। इस वजह से क्या कौन सी एरर दे रहा है गाइस, देखो नॉट रीडेबल, नॉट रीडेबल। अब मैं खोलता हूँ इसे ए मोड में। ए मोड आपको पता है क्या करेगा, अपेंड करेगा, मतलब कि राइट तो करेगा बट उस
प्रीवियस डेटा में, तो वही सेम चीज सेम एरर आता है देखो, यही से ऑब्जर्व करो, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपको एरर की नॉलेज है तो आप कहीं नहीं अटकोगे। तो क्या बोल रहा है कि हाँ अपेंड भी कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो प्रीवियस डेटा था उसमें आप नया डेटा डाल सकते हो बट राइट नहीं होगा, क्या रीड नहीं होगी, अभी ये दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं चलेंगे। ओके तो आपको रीड का मतलब भी समझ में आया, राइट का मतलब भी समझ में आया, अपेंड का मतलब भी समझ में आया। अब अगर मैं इसे खोलता हूँ आर प्लस, अब देखो ठीक है क्या इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रीड देन राइट, फर्स्ट रीड देन राइट, मैंने बोला एफ वन ठीक है। तो फर्स्ट रीड का मतलब क्या है, अब एफ वन में देखो वहां तो यार स्ट्रिंग थी, वहां तो एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग थी, बट अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ तो एम्प्टी दिखा रहा है। एम्प्टी का मतलब क्या, अब अगर मैं उस फाइल को आपको ओपन करके दिखाऊंगा, जो भी वो फाइल थी test.py समथिंग, उसमें से स्ट्रिंग जा चुकी है, मतलब इसने सबसे पहले डेटा को रीड कर लिया और रीड करने के बाद उसे क्या करा, राइट करा, मतलब कि ओवरराइट कर दिया डेटा को या फिर हटा दिया इस तरीके से। तो फर्स्ट रीड देन राइट, राइट ऑपरेशन बाद में हो रहा है रीड के, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके बट एरर नहीं आ रही है क्योंकि डेटा रीड हो चुका है, डेटा रीड हो चुका है, तो इस वजह से जो भी डेटा रीड हुआ है वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। देखो मैं टेस्ट वन में डाटा डाल देता हूँ क्योंकि ये रिमूव हो चुका था, ये था मैं डाल देता यहाँ पर दिस, सेव नाउ ऑपरेट इट, इसे बंद करना पड़ेगा। ओके अब देखते हैं, तो F तो ये रहा ठीक है, देखो R प्लस मोड में और F1। ओके तो देखो आ गया डेटा ठीक है ना, फर्स्ट रीड देन राइट, फर्स्ट रीड देन राइट, अब फिर से ऑपरेट करा मैंने अगेन F F1 ठीक है ना। तो देखो पहले तो रीड कर ले रहा है इसीलिए आपको डेटा दिख रहा है, उसके बाद राइट कर रहा है, उसके बाद राइट कर रहा है। अगर सिंपली मैं इसे W मोड पे छोड़ दूं, ओके इसे कमेंट करना पड़ेगा, गॉट इट, देखो F और F1, F1 तो है नहीं। ओके तो देखो अब राइट मोड में, बट डेटा ऑब्जर्व करते हैं जो फाइल में, तो देखो ये रहा राइट मोड का मतलब क्या है, डेटा को ओवरराइट कर चुका है, मतलब यहाँ पे डेटा जा चुका है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो समझ में आया, राइट ऑपरेशन आपके डेटा को ओवरराइट कर रहा है, किससे, एम्प्टी से कर दिया उसने, मतलब कि पहले डेटा था उसने जब चलाया मैंने तो क्या करा, पुराने डेटा को ओवरराइड कर दिया। तो देखो डेटा जैसे मैंने राइट ऑपरेशन चलाया तो डेटा यहाँ से गायब हो चुका है। लाइक फिर से आपके सामने डाल के दिखा देता हूँ, दिस अगेन ऑपरेटेड। अच्छा अभी के केस में देखो क्या होता है, ये हुआ got it, F राइट मोड में था और ये थी आपकी फाइल जिसमें डेटा पड़ा था, मैंने डाला था डेटा, मैंने इसे बंद कर दिया, क्लोज करा। ओके क्योंकि जब तक फाइल ओपन रहेगी आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ओके चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो फाइल को क्लोज कर देना, ओके फाइल को क्लोज कर देना, अदरवाइज चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो अगेन योर डेटा विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लोकेशन। ये क्या था आपका राइट मोड, आर प्लस भी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले रीड करेगा फिर राइट करेगा, ओके सबसे पहले रीड करेगा फिर राइट करेगा, तो वहां उस केस में आपका डेटा बच जाएगा ठीक है। अब मैं करता हूं डब्ल्यू प्लस, फर्स्ट राइट देन रीड, फर्स्ट राइट देन रीड, अब देखो इसमें एरर आता है कि नहीं आता, फर्स्ट राइट एंड देन रीड, प्लस इसे कर देते हैं वन टेस्ट वन को ऑपरेट। ओके सो देखते हैं एफ और एफ वन, ओके Empty. तो क्या हुआ, सबसे पहले उन्हें राइट करा फिर रीड करने के लिए ट्राई करा, मतलब कि सबसे पहले उन्हें डेटा को मैनुपुलेट कर दिया, सबसे पहले क्या करा मैनुपुलेट। तो अगर आप कभी चाहते हो कि भाई आप बार बार एक कोड को चला रहे हो और बार बार उसमें नया आउटपुट सेव होना है तो इसका यूज आप कर सकते हो, क्या राइट प्लस राइट डब्ल्यू का ठीक है, राइट देन रीड, सबसे पहले डेटा को क्या करे राइट करे फिर रीड करे। ओके गाइस आगे चल के आपको और अच्छे समझ में आएगा जब मैं आपको एक फाइल में डेटा राइट करके दिखाऊंगा,
अभी के लिए आप ये समझो फर्स्ट राइट देन रीड, मतलब सबसे पहले पुराना डेटा जो भी होगा उसे निपटा देगा, उसके बाद नया डेटा डाल के उसे रीड करेगा. गॉट इट? तो ये क्या था आपका डब्लू प्लस मोड. उसके बाद सेम फॉर ए प्लस, ए प्लस में बस सेम यही रहेगा, बट उसमें क्या होगा पुराना डेटा भी रहेगा और नया भी आ जाएगा. ओके और रीड भी होगा. गॉट इट? और एट लास्ट योर एक्सक्लूसिव मोड, एट लास्ट योर एक्सक्लूसिव मोड. तो एक्सक्लूसिव मोड क्या होता है आपका एक्स. अब देखो ये क्या है, अच्छे से बनना. मैं बोल रहा हूँ टेस्ट वन डॉट पी वाई को एक्स मोड में खोलो. किस मोड में खोलो? एक्स मोड में. क्या बोल रहा? फाइल एग्जिस्टिंग एरर, फाइल एग्जिस्टिंग एरर. बट अगर मैं इसे कर देता हूँ टेस्ट टू डॉट पी वाई तो ये क्या करेगा, उस फाइल को ओपन कर देगा. मतलब क्या करा इसने, टेस्ट टू नाम की डॉट पी वाई नाम की फाइल क्रिएट करी और फिर उसे ओपन करी. पहले क्रिएट करी फिर उसे ओपन करी. अब अगेन मैं इस कोड को चलाऊंगा तो ये क्या देगा मुझे, फाइल एग्जिस्टिंग एरर. क्यों? क्योंकि वो फाइल वहां पर पहले से ही प्रेजेंट है, वो फाइल वहां पर पहले से ही प्रेजेंट है. ओके तो सारे के सारे मोड मैंने समझा दिए. बस एक चीज अब आपको और बतानी है, वो क्या है, अगर मैंने डब्ल्यू मोड पे और मैं बोल रहा हूँ कि भाई एच लोकेशन पे, एच ड्राइव में मेरे पास पड़ी है एक फाइल जिसका नाम है न्यू. ओके अगर ये फाइल प्रेजेंट होगी तो ये उसे राइट करेगा, नहीं होगी तो ये फाइल ये जाके वहां पर उसे क्रिएट कर देगा. क्या करेगा? क्रिएट. तो अगर मैं देखता हूँ एफ पे तो ये बता रहा है कि एच लोकेशन पे न्यू डॉट पी वाई पड़ी हुई है, मोड उसका राइट है और ये थी उसकी इनकोडिंग फॉर्मेट. आप चाहो तो इनकोडिंग चेंज भी कर सकते हो. एनकोडिंग ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दो, सिर्फ डिफॉल्ट होती है यूटीएफ 8 होती है, 16 होती है. अब देखते हैं. तो देखो अब यहाँ पे यूटीएफ आपकी इनकोडिंग चेंज हो चुकी है. तो आप ये भी दे सकते हो, ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में आगे बता दूंगा. तो अभी के लिए इतना. आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि यही कौन सा मोड कैसे वर्क करेगा. सो गाइस देखो अब मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ कुछ. ओके मोड्स हमने कर ही लिए कि कौन सा मोड क्या करता है. अब कुछ आपके बेसिक्स, ओके तो ये क्या है, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट. आपको पता है पाइथन में हर कुछ का एक ऑब्जेक्ट है. अगर एक फाइल बैकग्राउंड से रीड होके आपकी टेम्पररी स्टोरेज पे आ रही है, ओके तो वो भी क्या बनेगी, एक ऑब्जेक्ट बनेगी. गॉट इट? क्या बनेगी, एक ऑब्जेक्ट. तो क्या लिखा है, वंस वी ओपन द फाइल एंड वी गॉट फाइल ऑब्जेक्ट वी कैन गेट वेरियस डिटेल्स रिलेटेड टू दैट फाइल बाय यूजिंग इट्स प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ओके नेम. नेम क्या है यहाँ पर एक, ओके मेथड समझ लो जो कि ये बताएगी उस फाइल का नाम क्या है, उस फाइल का नाम क्या है. मोड आपको जैसे कि आपने देखा होगा वो ऑब्जेक्ट जब मैं दिखा रहा था आपको तो वो भी ये डिटेल्स देता था, वो किस मोड में है. क्लोज का मतलब है क्या फाइल को आपने क्लोज करा है या नहीं करा है. क्या बोला, रिटर्न बुलियन वैल्यू. ओके रिटर्न बुलियन वैल्यू इंडिकेट दैट फाइल इज क्लोज्ड और नॉट. रीडेबल का मतलब क्या है कि जो फाइल है वो रीड मोड में है या नहीं है, आप उसमें का डेटा रीड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. अगर राइट मोड में होगी तो ऑब्वियसली आप उसमें से डेटा रीड नहीं कर सकते हो. राइटेबल का मतलब क्या है, ये चेक करेगी कि फाइल राइट मोड में है या नहीं है. ओके ये क्या थे, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस थे. क्या थे, आओ अब इसे हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे. इन सबको हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करके देखेंगे. सो गाइस मेरे पास है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से. लाइक आई हैव अ फाइल ओपन एबीसी डॉट टीएक्सटी. ठीक है तो किस मोड में गाइस, ऑब्जर्व करो राइट मोड में. किस मोड में लिखा है मैंने, राइट मोड में इसे. ठीक है तो राइट मोड में जब मैंने इसे लिखा तो क्या होगा, अगर फाइल उस लोकेशन पे होगी, वैसे अभी के लिए तो नहीं है मेरी इस लोकेशन पे एबीसी डॉट टीएक्सटी. ठीक है दिखाता हूं मैं आपको, एच ड्राइव से एक्सेस कर लेता हूं इसे. सो गाइस दिस इज माय एच ड्राइव. नॉर्मली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको कहीं पर भी अपनी फाइल नहीं मिल रही, एबीसी डॉट टीएक्सटी आपको कहीं पर भी नहीं मिल रही. ओके लाइक मेरे पास गेम्स है, माय वर्क, ओके स्टफ एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल काफी कुछ पड़ा हुआ है. ओके बट एबीसी डॉट टीएक्सटी नहीं मिल रही है. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस लोकेशन पे एच ड्राइव पे जाके ये फाइल को एक्सेस करो. ओके यहाँ पर आप डबल स्लैश पुट करो, ओके या फिर सिंगल भी कर सकते हो, बट अगर सिंगल करके आपका एनकोडिंग का कोई एरर आता है तो आप डबल स्लैश कर दो. ओके
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सॉरी नॉट हियर, एच ड्राइव पे मेरे पास कोई भी ऐसा अभी के लिए फोल्डर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ऑपरेट कराता हूँ। ये मैंने ऑपरेट कराया, रन माय मॉड्यूल, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी अभी ये फाइल क्रिएट हुई है जिसका नाम क्या है, abc.txt। ओके, साइज क्या है, 0 KB है, जो भी है। ओके, बट ये फाइल क्या हुआ, अब क्रिएट होगी एक बार, किसने करी है, राइट मोड में, किसने करी है, राइट मोड में। अगर मैं इसे रीड मोड में करूँ, ठीक है, और abc1 कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या बोलेगा, फाइल, क्या बोल रहा है, फाइल नॉट फाउंड, कि भाई ऐसी कोई फाइल नहीं है इस डायरेक्टरी में। क्यों? क्योंकि राइट का मतलब होता है सिर्फ राइट करना, सॉरी रीड का मतलब होता है सिर्फ डेटा को रीड करना या फाइल को रीड करना। यहाँ पर तो क्या, रीड तो तभी करेगा ना किसी भी चीज को जब वो वहां पे प्रेजेंट होगी, तो ये चीज प्रेजेंट नहीं थी वहां पे, ये चीज प्रेजेंट नहीं थी, तो इस वजह से उसने क्या दिया, नो सच डायरेक्टरी एंड फाइल प्रेजेंट। तो अगर मैं abc.txt को अगेन राइट मोड में खोलूं, तो ये क्या करेगा, उससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि अगर अवेलेबल है तो कनेक्ट होगा, ठीक है, और नहीं है तो क्रिएट करके कनेक्ट होगा। अब उसके देखो बेसिक डिटेल्स पता चल रही है, नेम से क्या पता चल रहा है कि भाई फाइल का नाम क्या है, तो नाम क्या है, एच ड्राइव पे जाके abc.txt, कंप्लीट लोकेशन दे रहा है, किस मोड में है, राइट मोड में, इस फाइल क्लोज, अभी के लिए क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, अभी के लिए ऑब्जर्व करना क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, इस फाइल रीडेबल, फॉल्स नहीं, अभी रीडेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है। ओके, इस फाइल राइटेबल, यस, डब्लू बोर्ड में है तो राइटेबल तो होगी होगी, गॉट इट। अब मैंने क्या करा, उस फाइल को क्लोज कर दिया, एफ डॉट क्लोज। अब मैंने फिर से चेक करा, एफ डॉट क्लोज फिर से चेक करा, देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा था, बट यहाँ पे अगर लास्ट में देखोगे तो क्या आ गया है, ट्रू आ गया है, क्या आ चुका है, देखो गाइस ट्रू आ चुका है, गॉट इट। अभी के लिए देखो फाइल में क्या है, रीडेबल क्या दे रखा है, फॉल्स दे रखा है, रीडेबल दे रखा है, फॉल्स। ओके, अगर मैं इसे कर देता हूँ डब्लू प्लस, इसका मतलब क्या होता है, डब्लू प्लस का मतलब राइट एंड रीड, राइट एंड रीड। अब देखो डब्लू प्लस, ठीक है, इस फाइल क्लोज्ड, ये अभी के लिए तो फॉल्स है, बट फाइल क्या है, रीडेबल भी है, राइटेबल भी है, और क्लोज तो मैंने लास्ट में कर ही दिया है। आई होप अब आपको ये सारे फंक्शंस की वर्किंग क्लियर होगी। ओके, इन सब का यूज करना है मैंने, रीडेबल, राइटेबल, ओके, जो भी मैंने अभी यहाँ पर बताया, गॉट इट गाइस। आप लोगों को अच्छे समझ में आना चाहिए कि ये मोड हो गए और ये फंक्शन हो गए कर क्या रहे, कैसे मैं इसकी वर्किंग को चेंज कर सकता हूँ, एग्जामिन करने के काम आती है सारी की सारी चीजें।